We're all going to die one day. Yeah, it's true. So we live like that. Live like you could die tomorrow. You know, go for it. If I see something, I see an opportunity, I'm going to go for it. Steve Jobs, Apple के co-founder और CEO, एक ऐसे entrepreneur थे जिन्होंने technology दुनिया में एक नया आयाम दिया। उनकी सोच और innovation ने हमारे जीवन में ऐसे समस्याओं को समाधान किया कि जिनके बारे में हम पहले कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको स्टीव जॉब्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी सोच और पर्यावरण से पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस वीडियो में हम आपको स्टीव जॉब्स के जीवन, उनकी सफलता की कहानी और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उनके विजन ने कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप को दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी कंपनी बनाया, इसकी कहानी आपको प्रभावित कर देगी। हम देखेंगे उनके कुछ प्रसिद्ध उद्देश्यों को, जैसे कि आईफोन, मैकबुक, जिन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया है, जॉब्स का जीवन परिचय, उनकी रोचक और प्रेरक कहानियां और उन प्रमुख सिद्धांतों पर हम घूमेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स जीनियस के बारे में। एप्पल कंप्यूटर की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुआ था। स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव विजनोइक और रोनाल्ड वेयन के साथ एप्पल कंपनी स्थापित की थी। इस दौरान उन्होंने पहला कंप्यूटर एप्पल वन डिजाइन किया था, जो बाद में कंपनी की सफलता की बुनियाद बना। जॉब्स के गैरेज में एप्पल वन का निर्माण शुरू किया। एप्पल टू ने पहली बार रंगीन ग्राफिक्स की शुरुआत के साथ कंप्यूटर उद्योग में क्रांति ला दी। इससे सफलता से नहीं भरा था, उनकी असफलता भी उन्हें एक महान उद्यमी बनने में मदद कर दी। 1985 में उन्हें अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की स्थापना की और उन्होंने चार्ल्स लुकास से पिक्चर भी खरीदा, जो बाद में टॉय स्टोरी, मॉन्स्टर्स इंक जैसी फिल्मों के कंप्यूटर एनिमेशन में एक बड़ी सफलता बन गई। 1980 के दशक के बाकी हिस्सों में एप्पल अभी भी अच्छा कर रहा था और 1990 में इसने अब तक का सबसे अधिक मुनाफा कमाया। जॉब्स ने कंप्यूटर का रेजुविनेशन किया और आईबुक पेश किया, जिसके बाद एक एमपी3 प्लेयर आईपॉड आया, जो मार्केट लीडर बन गया। 2007 में पेश किया गया टच स्क्रीन सेलुलर फोन आईफोन दुनिया के सबसे सफल उत्पादों में से एक था और कंपनी ने तब से कई नई संस्करण जारी किए हैं। क्विक की घोषणा के लंबे समय बाद कंपनी ने कंप्यूटर को अपने नाम से एप्पल INC बनने के लिए हटा दिया। ये दर्शाता है कि यह सिर्फ कंप्यूटर से अधिक है। अन्य लोकप्रिय उत्पादों में आईपैड, टैबलेट और एप्पल वॉच शामिल है। हाल ही में एप्पल ने अपने क्रेडिट कार्ड, एप्पल कार समाचार के लिए एप्पल समाचार, गेम्स के लिए एप्पल आर्केड और एप्पल द्वारा निर्मित मूल सामग्री को स्ट्रीम करने के लिए एप्पल टीवी प्लस के साथ अपने सेवा खंडों का विस्तार किया है। स्टीव जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई, लेकिन एप्पल जारी रहा सीईओ के रूप में टिम कुक के साथ। उनकी विरासत के साथ आईफोन्स की लोकप्रियता ने एप्पल को 2018 में $1 trillion मूल्य वाली पहली कंपनी बना दिया और 2 साल बाद यह आंकड़ा 2 गुना हो गया। इस वीडियो में हम स्टीव जॉब्स के जीवन के कुछ अंशों को प्रस्तुत किए, उनकी उपलब्धियों और उनके विशेष योगदान के बारे में बात किए और भी अनोखी रोचक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।